एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड बेटर। नमस्ते दर्शकों, और आज है 1 जनवरी 2024। आज है अभिजीत का बर्थडे। एक नया साल की शुरुआत आज से हो रही है और हम लोग देख सकते हैं सुबह सुबह है तिनसुकिया में, और हम लोग अभी जा रहे हैं डिब्रूगढ़, जहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे टिलिंगा बाबा शिव मंदिर दर्शन के लिए। तो 1 जनवरी है, मंदिर दर्शन तो बनता ही है। चलिए फटाफट दिन को शुरू करते हैं। आज का व्लॉग काफी एक्साइटिंग रहेगा, आप लोग एंड तक जरूर देखिए। तो हम लोग का मंदिर दर्शन हो गया है, 1 जनवरी का पूजा भी हम लोग ने कर ली है, और आज है अभिजीत का बर्थडे। काफ़ी स्पेशल दिन है, और ये देख सकते हैं बाहर बहुत सारी दुकान है, और दुकान में घंटियां बिक रही है, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी फेमस है, काफ़ी जागृत माना जाता है। अगर आप मनोकामना मान के और ये घंटी अगर आप यहाँ पे मंदिर के अंदर बांध के जाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और ये काफ़ी एक फेमस मंदिर है इस जगह में। मैं शादी के बाद जब आई थी तभी भी मैं एक बार आई थी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने इस बार भी आई। तो हम लोग पूजा वूजा करके हम लोग अभी आ गए हैं अभिजीत के मामा के घर में। यहाँ पे दीदा है, मामा मामी सब लोग हैं। हम लोग एक साथ खाना वाना हम लोग आज बनाने वाले हैं, एक पिकनिक जैसा होने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए अभिश्वरा फुल एंजॉय कर रही है मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के। और यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ठंडा है। तो चलिए दिन को ऐसे ही बनाते हैं, अभिजीत का बर्थडे भी है तो मैंने भी सोचा कि कुछ स्पेशल बना लूं। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। फाइनली केक कटिंग की वक्त आ गया है, और आज मामी की भी बर्थडे है, उसके लिए भी हम लोग ने और एक केक मंगवाया है, और काफ़ी अच्छा लगा। जस्ट कुछ देर पहले हम लोग ने लंच किए, काफ़ी हेवी लंच था, अभी बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतने सालों बाद अभिजीत ने अपना बर्थडे मनाया दीदा के साथ, तो ये काफ़ी एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट है। तो चलिए काटते हैं केक और बर्थडे को एंजॉय करते हैं। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड बटर। तो आज है 2 जनवरी, और हम लोग फाइनली निकल चुके हैं तिनसुकिया से फिर से घर जाने के लिए टू जागी रोड असम। और आज हम लोग देखने वाले हैं बोगीबिल ब्रिज, और बोगीबिल ब्रिज होके हम लोग आज जाने वाले हैं जागी रोड। तो अराउंड 9 to 10 आवर्स जर्नी है, और अभी बज रहा है 8:30 घड़ी में। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होती है और कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं। और ये ट्रिप अभी ऑलमोस्ट एंड है, आज लास्ट लेग इज देयर, लास्ट डे। बहुत ही अच्छा गया हम लोग का ये ट्रिप, हम लोग ने बहुत एंजॉय किए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग अभी बाईपास हो के निकल रहे हैं तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, दुलियाजान,
वो सब बाईपास रोड साइड में ले लिए, टाउन के अंदर से नहीं जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले बोगीबील, फेमस बोगीबील ब्रिज ऑफ आसाम, उस वहाँ पे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? ये है डिब्रूगढ़ से हम लोग टूवर्ड्स राइट लिए हैं, डिब्रूगढ़ आउटर से टूवर्ड्स बोगीबील ब्रिज। और हम लोग आज वाया लखीमपुर धेमाजी लखीमपुर बंदरगाह होके निकलेंगे, तेजपुर होके निकलेंगे, उसके बाद नौगांव, है ना। स्ट्रेट नहीं गए हम लोग, स्ट्रेट भी जा सकते थे पर स्ट्रेट नहीं गया। आज हम लोग इस रोड से जाएंगे बिकॉज स्ट्रेट रोड वैसे भी हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं एंड ऑन टॉप ऑफ इट रास्ता उतना खास नहीं था जब आ रहे थे, तो मेरे को सो मुझे लगा कि हम लोग लगा कि ये वाला रूट एक्सप्लोर किया जाए आज। और इधर 50 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है इस रोड पे, इस रोड से घूम के जाने से 50 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। और इवन बोगीबील भी देखना है, बट 50 किलोमीटर ज़्यादा पड़ने से भी यू नो टाइम का डिफरेंस उतना नहीं रहता है, लाइक 30-40 मिनट्स का डिफरेंस रहता है टोटल टाइम। यहाँ से जाने में 30-40 मिनट ज़्यादा लगेगा। और बोगीबील ब्रिज भी देखा हो जाएगा क्योंकि वो देखे नहीं थे। करेक्ट। तो ये स्टार्ट हो चुका है बोगीबील ब्रिज, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, व्हिच इज अ रेल जाता ट्रेन जाता, दिस इज द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया। मतलब आगे से यहां जस्ट इन इंडिया, हां इट्स इन इंडिया एंड दिस इज अंडरनीथ इज ब्रह्मपुत्र। और ब्रिज के दोनों तरफ है ब्रह्मपुत्र। ভারতের সব থেকে বড় নদ, নদ নদী নদ 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 ব্রহ্মপুত্র, মেল রিভার, দ্য অনলি মেল রিভার ইন ইন্ডিয়া। নো নো দেয়ার আর মেনি বাট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট, বিগেস্ট বিগেস্ট মেল রিভার, ইভেন আওয়ার দামোদর ইজ মেল রিভার, বাট ব্রহ্মপুত্র ইজ ফেমাস, ইজ দ্য বিগেস্ট ওয়ান আফটার গঙ্গা। गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा रिवर इंडिया का। So beautiful, so elegant. It's looking like नीचे से रेल रेल है, रेल जा रहा होगा। ये देखिए अभी पानी सूख गया है, दिसंबर का महीना है अभी, बारिश के दिनों में यहाँ पे फुल बारिश पानी रहेगा। बहुत पहले हम लोग यहाँ पे यहाँ से 2014 में इसको ऐसे क्रॉस किए थे एक स्टीमर के साथ, गाड़ी चढ़ा के, उसमें गाड़ी भी चढ़ जाता था, लाइक दिस यूज्ड टू हैपन लाइक दिस। तो अभी पूरा चेंज हो गया है, 9 साल नौ नहीं अभी तो 10 साल हो गया ना, 10 साल सारे चेंजेस हो चुका है। आसाम इज डेवलपिंग। करेक्ट करेक्ट।
तो ये हमारा धेमाजी टाउन है असम का, जो कि यू नो नॉर्थ बैंक में पड़ता है ब्रह्मपुत्र के इस पार। हम लोग डिब्रूगढ़ से बोगीबिल होके इस पार आ गए हैं ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक की तरफ। साउथ से नॉर्थ आए हैं। करेक्ट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स गुवाहाटी। तो हम मेरा घर तो जागे रोड में है, तो गुवाहाटी पहुँचना नहीं पड़ेगा पूरा पूरी। गुवाहाटी से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आ गए हैं जागे रोड। सो वहीं से हम लोग आज हम जगड़ में रहेंगे। तो ये धेमाजी टाउन है। धेमाजी टाउन क्रॉस करने के बाद आएगा लखीमपुर। लखीमपुर शायद हमको क्रॉस ना करना पड़े बिकॉज लखीमपुर का बाईपास है, बट धेमाजी को क्रॉस करना पड़ रहा है। काफ़ी बड़ा टाउन है ये, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ज़्यादा मैं नहीं आया हूँ इस जगह पे, बट क्रॉस किया करता था कभी कभी जब हम लोग इस तरफ से तिनचुका जाया करते, तब तो स्टीमर में जाया करते। लखीमपुर में हम काफ़ी ठहरे हुए हैं। लखीमपुर इज नॉन प्लेस टू मी, बट नॉट धेमाजी, नॉट सो मच। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद अभी कहाँ जाने वाले हैं, लखीमपुर क्रॉस करके लखीमपुर टाउन आएगा। ओके, टाउन क्रॉस करेंगे है ना, टाउन पता नहीं बाइकर्स से शायद निकल जाएंगे। ओके, देखिए कितना ग्रीनरी है चारों तरफ, वेरी ब्यूटीफुल, साथ में सुंदर सुंदर घर चारों तरफ, और कभी कभी वो असमीज बिहू सॉन्ग्स भी सुनाई दे रहे हैं आसपास के, क्योंकि अभी भी न्यू ईयर्स बहुत लोगों का चालू है, पार्टी ऐसे ही लग रहा है। तो उसके बाद टाउन क्रॉस करने के बाद लखीमपुर के बाद आएगा नारायणपुर, बिहूपुरिया, गोहपुर। ओके, तो ऐसे ही एक एक करके जगह आते रहेंगे, टाउन आते रहेंगे, और अनदर 6 hours 40 minutes रिमेनिंग, 338 kilometers रिमेनिंग। तो चलिए देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं, कितना जल्दी और कितना लेट, तो बने रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट सीरीज ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस और एक एपिसोड आने वाला होगा। तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी जितनी भी जगह हम लोग गए, और ये रोड ट्रिप यादगार है, ज़रूर याद रहेगा, और काफ़ी मज़ा आया। अगर मेरे चैनल आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, अभी कहाँ पे आ गए हैं हम लोग, ये सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी जो कि मैं अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट में रहता था ना, उसका नाम था लोअर सुबनसिरी, और ये सुबनसिरी नदी है। सी ब्यूटीफुल रिवर सुबनसिरी, अरुणाचल से आ रही है, दापोरिजो साइड से, दापोरिजो से आ रही है, दापोरिजो से ये नदी बहता जा रहा है, और ये रहा अरुणाचल के पहाड़, राइट, वो जो दिख रहे हैं अरुणाचल के पहाड़। सो ब्यूटीफुल अमेजिंग अरुणाचल। ये पास ही में, यू नो दिस इज, ये जो जगह है ना एकदम अरुणाचल बॉर्डर के आसपास है। हाँ, तुम यहाँ से अरुणाचल के बहुत सारे जगह जा सकते हो, पासीघाट हो गया, हमारा जीरो हो गया, 43 याजाली, एंड देन ईटानगर, नाहरलगुन जो कैपिटल है अरुणाचल का। सो तुमको इस रास्ते पे अरुणाचल की बहुत गाड़ी दिखेंगे, AR01 AR06 20, ये सब यू नो कनेक्शन अच्छा हो गया। बाईपास ले लिए हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, और ये पहाड़ दिख रहे हैं ना सामने है अरुणाचल की पहाड़, ये देखिए वही पहाड़ में रहा मेरा, तो वहीं पे शायद जीरो हो रहा है, इस तरफ जीरो इस तरफ है शायद। तो ये रहा रांगा नदी लखीमपुर जस्ट क्रॉस करने के बाद ही, और एक रिवर ये अरुणाचल में भी है, अरुणाचल से आ रहा है। ये एसटीसी बस बिहूपुरिया लखीमपुर।
सामने आएगा भोमरा, भोमरा ही है, भोमरा तिनियाली है जो, अगर सामने से आप एक टर्निंग आएगा अभी, हम लोग तो स्ट्रेट निकल जाएंगे, बट जो टर्निंग सामने से आएगा उस पर अगर आप राइट लोगे तो आप पहुंच जाओगे जीरो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे थोड़े 20-25 किलोमीटर बाद एक गेट आएगा, चुमिन गेट, वहाँ पे एक गेट है, उसके बाद वंस यू एंटर दैट गेट यू विल रीच 43 लाइक याजाली। तो याजाली 43 इज लाइक जहाँ पे अभिजीत का बचपन बीता है, वो इसी तरफ जाते हैं, इस तरफ जीरो जीरो याजाली 43 ये जगह है। तो वहाँ बहुमारा तिनियाली है जगह का नाम। ओके, बहुमारा तिनियाली, बहुमारा तिनियाली। एक गांव है यहाँ पे, मैं एक गोगोई ड्राइवर के, गोगोई करके एक लड़का था यहाँ पे, जो पापा के, पापा जिस कंपनी में नौकरी करते थे वहाँ पे यूज़ टू ड्राइव, तो वहाँ इसके घर में आया करता था, इसी कहीं पे तो है, तो आई डोंट रिकलेक्ट नाउ एग्जैक्ट प्लेस, बट उसके घर में आया हूँ, उसके घर पे आके मैंने गहोरी माँ को खाया था, और उनका जो लोकल यू नो राइस बियर बनता है ना, उनको उसको बोलते हैं हा, तो हाहो हाँ, और ये पोक जो गहोरी माँ को आसमान से होता, तो ये हमने खाया था यहाँ पर, गहोरी फ्राई एंड हा। बहुत पुराना जगह है मेरे लिए, वेरी वेरी ओल्ड प्लेस, लाइक आई स्पेंड माय चाइल्डहुड इन दिस एरिया ऑफ असम। सो फीलिंग नॉस्टैल्जिक राइट? या ऑफ कोर्स इट फील्स नॉस्टैल्जिक। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? जगह का नाम है बंदरदुआ। बंदरदुआ, बंदरदुआ, बंदरदुआ। ये कौन सा रिवर है? सुबनसिरी। ओके, सुबनसिरी। तो यहाँ से ये सीधा कहाँ जा रहा है? यहाँ से अभी जो स्ट्रीट जा रहा है ना, हम लोग स्ट्रीट तो असम में ही है। हाँ। तो यहाँ से एक आगे एक बड़ा टर्निंग आएगा। ओके। दैट टर्निंग इफ यू टेक यू विल रीच ईटानगर व्हिच इज कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके। देयर इज एन एंट्री गेट हियर, माने एक बंदरदुआ में अरुणाचल का एंट्री गेट है। अच्छा। दिस साइड इज अरुणाचल। राइट साइड इज अरुणाचल। अच्छा, इसी रोड पे। तो ये साइड अरुणाचल है एंड ये साइड असम, और यहाँ से आगे जाके एक टर्निंग है जहाँ से हम लोग ईटानगर द कैपिटल ऑफ अरुणाचल में जा सकते हैं। जो कि 3 hours 18 minutes दिखा रहा है।
और हम लोग को करना भी है लंच, 2 बज चुका है और भूख भी लग गए हैं। अभी देख रहे हैं कहाँ खा सकते हैं, थोड़ा अच्छा जगह ढूंढ रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ है पूरा, तो एशियाज लार्जेस्ट देखे थे कामिन रिवर्स अरुणाचल में, वही इधर जिया बरौली के नाम से जाना जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं एक ढाबा में लंच करने के लिए फाइनली, और यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे कार्स खड़ा हुआ है तो इसलिए हम लोग रुक गए। और ये देखिए बाबरी फिर कि भेंगे पड़बे ना, तो काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। ये ढाबा देखिए कितना बढ़िया है और इसका डेकोरेशन भी काफ़ी बढ़िया से किया गया है। बहुत ही यूनिक ढाबा में इस बार दिख रही हूँ। ये पूरा बैम्बू के ऊपर बनाया गया है, तो नीचे लाइक बैम्बू का पूरा है और ये एक्चुअली हम लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे बता सकते हैं, और डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट फ्लोर में आ गए। तो ऐसा है डेकोरेशन और एक एक क्यूबिकल रखा गया है, मतलब एक एक रूम टाइप का जहाँ पे लोग खा रहे हैं वहाँ पे दो दो एक एक ऐसे टेबल है रखा गया है। तो चलिए देखते हैं, ढाबा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी भीड़ भी है, तो यानी खाना भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप लोग कोई कभी भी रोड ट्रिप कर रहे हो, अगर आप देखते हो जिस दुकान में भीड़ ज़्यादा है, आप लोग आई विल रेकमेंड कि उसी दुकान पर आप खाइए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन खाना अच्छा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो धनिया वाला चटनी है पक्का, ये धनिया का ये दो प्लेट दो मेरे को, टेस्ट करके बताता हूँ। And this is famous our Gondhoraj Lebu. तो हम लोग ने खाना ऑर्डर किया और फटाफट खाना आ गया एकदम गर्मा गर्म। ये रहा राइस और उसके साथ आलू पिटिका, बोरोई की चटनी यानी कूलर अचार, फिर धनिया की चटनी तो था ही, उसके साथ है ये लोकल चिकन करी, एक डक करी और पोर्क। तो बोलो कैसा लगा खाना? बढ़िया था, ये आलू पिटिका बहुत टेस्टी था, चिकन भी और पोर्क भी बहुत ही अच्छा था। ओके, और दिस चटनी इज वेरी गुड, दिस चटनी कुलेर अचार, कुलेर झाल अचार इन आवर लैंग्वेज, एंड इट इज कॉल्ड एज बोरोई अचार, बोरोई बोगोरी बोगोरी अचार इन एसएमएस, बोगोरी बोगोरी अचार वी कॉल देम, कुलेर झाल अचार। व्हाट डिड यू ईट? हम लोग खाना खा के फिर पहुंच गए थे जागी रोड। तो आज का दिन हम लोग जागी रोड में रात बिताए और कल मिलते हैं डायरेक्टली एयरपोर्ट में, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं वापस घर बेंगलोर के लिए, फ्रॉम गुवाहाटी टू बेंगलोर। सो दिस वाज द कार, we are just giving it away to our fufu car, so
तो हम लोग पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया है और ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट गेट नंबर 7। और हम लोग को फ्लाइट 9 बजे हो गया है, 8:30 बजे से, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे, देखते हैं। आज आपकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेंगे। उड़ान के दौरान किसी भी सहायता के लिए आप हमारे क्रू टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपका यह खास एक्सपीरियंस सुखद रहे। धन्यवाद। Good evening. On behalf of Akasa Air, I, Karishma, your in-flight manager for today, would like to welcome you on board QP1541 to Kolkata. Flight time to Kolkata is 1:05. This flight is under the command of Captain Bhushan and First Officer Shushma. My in-flight team. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बैंगलोर और ये ट्रिप की एंडिंग यहीं पे होती है। द नॉर्थ ईस्ट ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू गुवाहाटी, देन शिलोंग, अरुणाचल, दिरांग। सो इट वाज अ मेस्मराइजिंग ट्रिप एंड आई होप यू लाइक ऑल दी सीरीज, ऑल दी एपिसोड्स। टिल देन कीप वॉचिंग माइंड बटर। See you soon with a brand new vlog. Thank you for watching us. Thank you for supporting. Let's get back to work. Get back to reality. Bye bye.